मूलचंद प्रजापति आपके बीच हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, मानसून तंत्र एवं जलवायु के साथ में। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी रीट का अभ्यर्थी है या अन्य विद्यार्थी जो भी जिनके सिलेबस में ये राजस्थान के भूगोल से संबंधित राजस्थान का मानसून तंत्र एवं जलवायु टॉपिक अगर लग रहा हो तो सभी साथी मेरे साथ आप जुड़ सकते हो इस टॉपिक से। साथियों किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, 1 से 2 नंबर जो है ये पक्के हैं आपके, 100% है। मैं मात्र 20 मिनट से भी कम समय आपका लूँगा, 20 मिनट भी नहीं लूँगा, यानी 15 से 20 मिनट में आपके ये पूरा टॉपिक है जो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो आज तक एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बने हैं वो सारे प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी साथी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। साथियों आपका यही प्यार हमें हौसला देता है अलग अलग नए नए वीडियो लाने के लिए, तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को आप लाइक कर देवें। और साथियों टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज सर पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। साथियों कौन से कारक जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। एक बात साथियों, अक्षांशीय अवस्थिति देशांतरी स्थिति जो प्रभावित नहीं करती साथियों, अरब सागर की दूरी और उच्चावच विशेषताएं, अर्थात साथियों ए सी और डी, ऑप्शन सी जो आपका यहां पर क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है, कौन सी नहीं है। साथियों मावठ कब आती है, शीतकालीन ऋतु में साथियों जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं, तो इसे लाभान्वित नहीं है, इसे पूछा जा रहा है नहीं है ये पूछा है। साथियों आपके कौन सा हो जाएगा, मूंगफली और मक्का हो जाएगा, गेहूँ चना सरसों ये सब आपके इसे लाभान्वित है। साथियों राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है, तो साथियों पश्चिमी विक्षोभ यानी शीतकालीन वर्षा हो रही है, और शीतकालीन वर्षा हो रही है मतलब दिसंबर और जनवरी माह में होती है। साथियों ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी सम वर्षा रेखा अलग करती है, यह आपसे पूछा जाए, तो साथियों ये आपका हो जाएगा कौन सा 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है, कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है, तो BSKW नहीं पाई जाती है, BWSWSCWGAWG है, लेकिन ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों आक, खेजड़ी, रोहिडा, बबुल, कंटीली झाड़ियाँ, फोग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो ये सभी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ये आपके सामने कि साथियों राज्य में अर्ध शुष्क जलवायु चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर के पूरी भाग तथा पाली, जालौर, सीकर, नागौर में झुंझुनू के पश्चिम भाग में पाई जाती है। साथियों मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो साथियों अति आर्द्र प्रदेश में जो है आपकी पाई जाती है। बिल्कुल साथियों यहां पर ऑप्शन डी जो आपका क्या होने वाला सही और सटीक होने वाला है। साथियों इस प्रकार की वनस्पति में आम, शीशम, सागवान, शहतूत, बांस, जामुन, खैर आदि वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों राजस्थान में टांका क्या है, टांका आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों टांका वर्षा जल को एकत्र करने हेतु घर या दुर्ग में बनाए गए जलकुंड जो है वो आपके टांका कहलाते हैं, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों यहां पर बताया रखा है राजस्थान के मारवाड़ व सेकावटी क्षेत्र में बनाए गए इन टांकों में एकत्रित वर्षा जल को पार्लर पानी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आप जानते होंगे। साथियों कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। साथियों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, बिल्कुल सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, सर्वाधिक भेड़ भूमि का विस्तार भरतपुर में है, और साथियों राज्य के में सर्वाधिक भेड़ भूमि एवं कंदराएं धौलपुर व सवाई माधोपुर जिले में है, बिल्कुल ऑप्शन यहां पर साथियों आपके डी जो है सर्वाधिक भेड़ भूमि वाले विस्तार की बात हो रही है, तो ये आपके धौलपुर और सवाई माधोपुर में, ऑप्शन डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है, तो वार्षिक औसत साथियों 80 सेंटीमीटर है, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत साथियों 80 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, ये आपसे बता रखा है। साथियों प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो साथियों यहाँ पर जलवायु जो है ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों फिर से आपको एक बार और बता दूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो साथियों पहले सेशन को लाइक कर दो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथियों आप किसी प्रकार की फ्री PDF, किसी प्रकार फ्री नोट्स, हस्तलिखित नोट्स, या फिर आप किसी प्रकार टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो साथियों डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है ORR.JAT वेबसाइट जो उस पर आप विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच में। साथियों मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति गुद्देदार पत्ते वे कांटेदार होती है ताकि उनसे वाष्पीकरण की दर न्यूनतम रहे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं, इस प्रकार जलवायु वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। साथियों नेक्स्ट देखो साथियों विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापमान पर
पर क्या प्रभाव होता है? विषुवत रेखा से दूर जाना पर साथियों वार्षिक तापमान दर जो बढ़ता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक होने वाला है। साथियों नेक्स्ट यहाँ पर क्या रखा है, विषुवत रेखा पर वर्ष भर जो तापमान लगभग समान रहते हैं, वहाँ तापांतर न्यूनतम पाए जाते हैं, जबकि जैसे तैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में दूर जाते हैं वहाँ गर्मी में अधिक तापमान में सर्दी में कम तापमान होते हैं, अतः वार्षिक तापांतर बढ़ते जाते हैं जो ध्रुवों पर सर्वाधिक होते हैं। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि राज्य के विभिन्न प्राकृतिक विभागों एवं उनकी जलवायु को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना साथियों आपको बिल्कुल सुमेलित करना है कि पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर साथियों आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी आर्द्र जलवायु पाई जाती है? जबकि साथियों बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें तो यहाँ पर अति आर्द्र पाई जाती है, जबकि साथियों यहाँ पर बात करूँ उत्तर पश्चिम मरुस्थल की यहाँ शुष्क पाई जाती है और मध्यवर्ती क्षेत्र में उपआर्द्र, अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो आपको यहाँ पर क्या होने वाला सही और सटीक होने वाला है। साथियों मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच हाजिर कि राज्य में निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी या कम तिरछी, सबसे कम तिरछी पड़ती है? तो साथियों यहाँ पर डूंगरपुर हो जाएगा, क्योंकि डूंगर पर सूर्य की किरणें सीधी तिरछी पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, जबकि गंगानगर में सर्वाधिक सीधी तरछे जो है किरणें आपके चमकती है। राज्य में सूर्य का सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़े पर पड़ती है, सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर पर पड़ती है, और साथियों आपके राजस्थान का मानक समय भारत के समय मानक समय 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा साथियों, ये रहा आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में पुनः हाजिर क्या है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? साथियों तो तापमान हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, अक्षांश स्थिति, महासागरों से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला की स्थिति आदि है। साथियों तो आधारभूत तत्व की बात करें तो तापमान हो जाएगा। वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव जिला कौन सा है? साथियों वार्षिक वर्षा की मात्रा में उतार चढ़ाव वाला जैसलमेर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक हो जाएगा। साथियों शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है रेतीला धरातल होना, ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक हो जाएगा। राजस्थान में सर्दी की जो वर्षा है वो क्या कहलाती है? साथियों माउंट कहलाती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं साथियों? तो ये जलवायु कहा जाता है, ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। ये रहा साथियों राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? तो कपास नहीं होती, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? साथियों तो ये आप जैसलमेर में पाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों क्या कह रहा है कि जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर, कम वर्षा है। साथियों ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि राजस्थान में साथियों नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमान कौन से महीनों में पाया जाता है? तो ये आपके कहाँ पर कौन से महीनों में, जुलाई एवं अगस्त में, ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। फिर बता दूं साथियों अगर आप अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर सेशन को लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दो, और फ्री नोट्स पीडीएफ प्राप्त करने के लिए साथियों आप ORZAT वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और किसी प्रकार के टेस्ट सीरीज जो है वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में? तो साथियों ये जैसलमेर में हो जाएगी, ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक जैसलमेर में तथा कम डूंगरपुर जिले में। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये हो जाएगा, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा क्या है? तो वह साथियों 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऑप्शन जो बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो वह साथियों झालावाड़ हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों निम्न जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है साथियों? तो ये आपके अजमेर हो जाएगा, ऑप्शन ये निम्न जिलों के आधार पर पूछा तो ऑप्शन बी आपका सही और सटीक। वैसे माउंट आबू शिवाड़ा आपका झालावाड़ जिला जो है आपके वैसे हो जाता है सर्वाधिक स्थान तो माउंट आबू, सर्वाधिक जिला आपके झालावाड़ हो जाता है। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? साथियों लू कहा जाता है, और ये प्रश्न कल सीटी में पूछा जा चुका था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्नलिखित में से कौन सा साथियों? तो वो जलवायु है, ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों क्या कह रखा, किसी भूभाग अथवा स्थान के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है, अर्थात तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, पवनों की दिशा आदि मौसमी दिशाओं के लंबे समय तक बने रहने को जलवायु कहा जाता है। साथ नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों CWG भरतपुर एकदम सही और सटीक सुमेलित है, BWHW बाड़मेर ये आपका गलत सुमेलित है, BSHW गंगानगर ठीक है साथियों, और AW डूंगरपुर है, अर्थात ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही और सटीक हो जाएगा।
साथियों तापमान के आधार पर विश्व को कितने जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया गया है? तो साथियों ये आपके तीन कटिबंधों में ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सी और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर, क्या कह रहे हैं साथियों देखो, ये आपके तापमान के आधार पर विश्व को उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा शीत कटिबंधीय जलवायु में विभक्त किया गया है। ये आपके सामने अक्षांश देशांतर का पूरा मैप दे रखा है, पूरा आपको जूम इन करके दिखा सकता हूँ या पूरा पढ़ सकते हो साथियों आराम से आसान देख लेना। इसमें जो 66 डिग्री है, 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तर है, दक्षिण है, या पूरे दे रखा है साथियों। नेक्स्ट ईयर आपके बीच में राजस्थान की अधिकतम वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं होती है उनसे होती है, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सी और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से कौन सी सम वर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? तो ये 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा हो जाएगी, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सी और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है, इस रेखा के दक्षिण और पूर्व में वर्षा अधिक होती है। बिल्कुल साथियों राजस्थान कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? तो साथियों नगण्य वर्षा वाला आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह साथियों आपका जलवायु हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों किसी भूभाग अथवा स्थान के मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है, अर्थात तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब आदि मौसमी दशाओं के लंबे समय तक बने रहने को जलवायु कहा जाता है। अर्थात साथियों आप समझ गए होंगे, फिर आपको एक बार और बता दूं साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। और साथियों फिर आपको बता दूं एक बार कि आप किसी भी प्रकार के फ्री नोट्स, हस्तलिखित नोट्स या फिर EPDF आप प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के MCQ प्रश्न या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप ORZAT वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथियों परीक्षा दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर देखो आप परीक्षा दृष्टि आप आराम से पढ़ सकते हो, माउंट किसे जिससे होती है वह पश्चिम विक्षोभ, EAD जलवायु पाई जाती है बाड़मेर जैसलमेर में, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग कौन सा, दक्षिणी पश्चिम भाग है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से, राजस्थान के सबसे गर्म स्थान फलोदी है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु परिस्थितियां सामान्यतः होती है नम, बांसवाड़ा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है, तो आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में आता है, राज्य का आद्र जिला कहलाता है झालावाड़, खालिस्तान राजस्थान के सबसे आद्र क्षेत्रों में से एक है तो वागड़ हो जाएगा, ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है, तो गंगानगर, औसत 27 दिन तक, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है, तो साथियों उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और आद्र शुष्क जलवायु जिला कौन सा है, जोधपुर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला साथियों उप आद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, उप आद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है साथियों, जोधपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। यहाँ पर पूरी पूरी व्याख्या आपको सामने दे रखी है साथियों, ये पूरी पूरी व्याख्या आप पढ़ सकते हो आराम से। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है साथियों, तो ये श्री गंगानगर में 27 दिन तक चलती है, और साथियों राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की जो सर्वाधिक दर है वो कहाँ पर है, तो जैसलमेर में, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट देखो, ये आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बिल्कुल राजस्थान का तापमान शीतकाल में कितना रहता है साथियों, तो शीतकाल में तापमान लगभग जो है आपका 12 डिग्री 17 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रहता है। बिल्कुल आपके सामने ये पूरी पूरी व्याख्या जो है साथ में दे रखी है, हाँ बिल्कुल, जबकि ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, और राज्य में दैनिक, मासिक, वार्षिक तापक्रम में अत्यधिक विषमता पाई जाती है। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है साथियों, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है चंबल नदी में आपको सर्वाधिक है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों भबूलिया क्या है, तो भबूलिया में आपको 1000 बार ये पढ़ा चुका हूँ कि ये एक प्रकार की आंधी है, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। भबूलिया यानी राजस्थान में जो आपके चक्रवात टाइप में आते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं, जिसको भूत कहते हो ना, कि दादो आ गयो और काको आ गयो और ताऊ आ गयो, और वो भबूलियो यानी भूत है, समझ गया। हाँ मई जून महीनों में सूर्य की प्रकरण किरणों के साथ में आपकी ये पूरी पूरी व्याख्या यहाँ पर दे रखिए, पढ़ लेना। खालिस्तान से आने वाली हवाएं शुष्क और गर्म होती है, जो राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती है साथियों, कौन सी, पश्चिम से। तो यहाँ पर पूरी पूरी व्याख्या यहाँ पर दे रखी है, आप व्याख्या आप पढ़ सकते हो साथियों, बिल्कुल देख लेना। फिर आपको एक बार और बता दूं साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पर विजिट करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, GK विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हो, और आप किसी प्रकार के फ्री नोट्स, PDF और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री एकदम मुफ्त में, तो ORZAT वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बिल्कुल साथियों परीक्षा दृष्टि की बात करें तो राजस्थान में औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है, राजस्थान के जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में, तो जैसलमेर में, बीकानेर के आसपास के जलवायु को वर्णित कर सकते हैं साथियों गर्म मरुस्थलीय, और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, माउंट आबू में, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति कारण है, इसका मानसून के समांतर होना, और राजस्थान में सर्दियों में वर्षा मुख्यतः आती है पश्चिमी हवाओं से, किस दिशा में राजस्थान वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण पूर्व की ओर। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान क्या रहता है साथियों, तो आपको बता चुका हूं पहले ही, 40 से 45 डिग्री रहता है, और राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है, तो साथियों पश्चिमी क्षेत्र में होता है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। और राज्य में मावट होती है साथियों, मावट आपकी भूमध्य सागरीय मानसून की वजह से होती है, सर्दियों में
वर्षा को माउंट कहा जाता है। यहाँ पर पूरी पूरी जानकारी दे रखी है, ये माउंट के बारे में साथ देख लेना। BWHW जो प्रदेश के जिले जो है वह कौन से साथियों, तो वह जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। व्याख्या भी साथियों आपको दिखा देता हूँ इसकी, ये पूरी पूरी आपकी BWHW की, डॉक्टर ब्लामीदीर कोपेन के अनुसार BWHW का शुष्क उष्णकटिबंधीय, पूरा पूरा पढ़ सकते हो आराम से यहाँ से। कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश कौन सा है साथियों, ये सभी है BSHW, BWHW, AW, ये आप पूरा पढ़ लेना। पूरी व्याख्या आपके सामने ये देखो दे रखिए, AW या उष्ण कटिबंधीय आदर्श जलवायु प्रदेश, BSHW यानी कि आपके या आदर्श शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, BWHW या शुष्क एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, CWG उप आदर जलवायु या मानसूनी वर्षा प्रदेश। AW जलवायु प्रदेश में जिले आते साथियों कौन से आते हैं, तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं, या आपकी पूरी पूरी जानकारी आपके यहाँ पर दे रखी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित साथियों, तो ये उपोष्ण कटिबंध में, बेस ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। पूरी पूरी व्याख्या यहाँ पर आपको दे रखी है। पुनः आपको बता दूँ साथियों, वीडियो को अंत तक आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आपको पुनः बता दूँ, अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, आपका यही एक प्यार ये सपोर्ट हम मांगते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक करना, और साथियों ऐसे ही आगे वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हो तो पुनः हमें कमेंट करके जरूर बताना। और बिल्कुल आप, मैं बता चुका हूँ कि इसकी PDF प्राप्त करने के लिए GK विद मूलचंद सर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और किसी प्रकार की फ्री PDF, ई नोट्स या फिर हस्तलिखित नोट्स या फिर टास्क सीरीज जो है बिल्कुल फ्री और मुफ्त ज्वाइन करना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ORZAT वेबसाइट पर विजिट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।